मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता कुणाल चौधरी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राजधानी भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए कुणाल चौधरी ने नई पेंशन स्कीम पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से ओपीएस योजना लागू करने की मांग की है। भैया पेंशन की बात कर रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा। देखिए केंद्र सरकार आज यूपीएस को लागू करने की बात कर रही है। पहले भी एनपीएस के माध्यम से बड़ा झूठ जनता के सामने और कहीं ना कहीं कर्मचारियों के साथ धोखा करा गया। जितने सब्जबाग एनपीएस में दिखाए गए थे कोई भी सब्जबाग पूरा नहीं हुआ। पूरे कर्मचारी सड़कों पे थे, सरकार का विरोध करते हुए विपक्ष ने अपनी बात रखी तो कहीं ना कहीं जनता को राहत देने की कोशिश करी गई। पर इस तरीके से रोज फिर मुर्ख बनाने की जगह सीधे ओपीएस को लागू क्यों नहीं करती है? कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, एक ही मांग है कि ओपीएस लागू करी जाए। जो उनकी मूल सैलरी है पूरी तरीके से आखिरी सैलरी है उसका 50% जो उनको मिला करता था और जिस तरीके से उनको राहत ओपीएस के अंदर मिला करती थी वही करा जाए। पहले जो महंगाई है इसने जॉब करते करते कमर तोड़ दी, मतलब सरकारी तंत्र में अपना काम करते हुए कमर तोड़ दी और जब रिटायरमेंट के बाद भी सरकार उनकी जेब से पैसा निकालना चाहती है जो खुद वो लोग इकट्ठा करके रखना चाहते हैं। मेरा निवेदन सरकार से कि महंगाई से आप लोगों की जान ले ही रहे हो, रिटायरमेंट के बाद जो उनकी हालत खराब करना चाहते हो स्पष्ट है, ओपीएस वैसी की वैसी लागू करे जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी जिससे जनता कर्मचारियों को राहत मिलती थी, ना कि उनको मूर्ख बनाने की कोशिश करे।